बेटी का नामकरण हो चुका है। और एक कोइंसिडेंस वाली बात बताऊं कि हमने जो नाम सोच रखा था, जिस वर्ड से नाम स्टार्टिंग सोच रखा था और उसी पे बेटी का नाम निकला। तो बेटी नाम अनुराधा नक्षत्र में पैदा हुई। राधा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग। सो स्वागतम। तो जैसा कि मैंने बताया था लास्ट ब्लॉग में, आज है मेरी बेटी का नामकरण। तो उसके लिए पहले हवन वगैरह होगा, पंडित जी आएंगे, वो नाम बताएंगे किस वर्ड पे निकला, उस हिसाब से नाम चूज करेंगे, फिर बेटी का नाम रखेंगे और उसको फलाना फलाना एक्स वाई जेड चौधरी मेरी बच्ची का नाम होगा। तो अभी बस थोड़ा 1-2 घंटे का वेट करो और अब मैं आपको नाम बताता हूँ, क्या है नाम बेटी का हमारी का। उससे पहले हम मैं तो रेडी हो चुका हूँ कुर्ते पजामे में, और मेरी बेटी की माँ भी हो चुकी है, और मेरी बेटी आ तो ऑलरेडी मिला के रेडी कर दी, इसमें पैकेट में पैक कर दी। अभी वो अपना ना वॉच आवर जैसे होता है ना, अपना यूट्यूब में वॉच आवर्स कम्प्लीट करना, ऐसे ही मेरी बेटी करती है, ये स्लीपिंग आवर्स कंप्लीट करती है। इसका स्लीपिंग आवर करना कंप्लीट बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं, अगर करेगी और जग गई तो फिर इसको खिलाओ पिलाओ, ये रात भर डांस करती रहती है, डांस कराती है, एक्चुअली करती नहीं है, खुदते ही करेगी बस, बाकी और सबको डांस कराती रहती है। मेरी बिटिया रानी रेडी है, देखो ये पहन पहन के अपना मुंह रख के, ये मुंह रख के सोती है, आप माथे पे अपना सर रख के, मतलब सर पे अपना हाथ रख के सोती है ये। अभी मेरी कॉमेडी मेरे को अभी हो रहा है पंडित जी का वेट, हम तीनों मम्मी पापा बेटी रेडी हो चुके हैं। तो वो ये तो सो थोड़ू सो ही रही है, तो हम बस रेडी, मतलब पंडित जी का वेट कर रहे हैं। पंडित जी आने वाले हैं, 2-4 मिनट में फ़ोन किया था तो कह रहे मैं अभी आया, बस 2-4 मिनट में, पता नहीं कितनी देर में आएंगे, बस आ जाना चाहिए। और जैसे आएंगे तो अपनी प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, हवन वगैरह की और जो भी सामग्री चाहिए वो सब दे देंगे उनको, उस हिसाब से हम लोग बैठ के फिर हवन वगैरह करेंगे। मुझे पंडित जी ने बोला था कि भाई मैं 10 बजे तक आ जाऊँगा, 10 बजे स्टार्ट, 10 बजे से लेट मत करना, क्योंकि 11:30 मुझे कहीं जाना है, और 11:30 जाना है तो मुझे कहीं, और मैंने अपना वर्ड दे रखा है, मतलब बोल रखा किसी को, पूजा वूजा किसी के यहाँ पर, तो मैं अभी इनके पास 10 बजे एग्जिट पहुँच गया था। पंडित जी चलो, पंडित जी बोले कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, किसी की लगन वगैरह कुछ लिखनी थी। उसके बाद अभी बज रहे तकरीबन कितने, 10:30 हो गए, मतलब आधा घंटा ऊपर हो गया, और अभी तक तो आया नहीं, मैंने फ़ोन भी कर लेकर, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, अभी 10 मिनट हो गया, पता नहीं अभी देख रहे हैं और वेट करते। अभी हो दिक्कत एक क्या आ रही है कि ज़्यादा नींद पूरी हो नहीं पाई है, सो नहीं पाया ढंग से, और मुझे काम भी करना ऑफिस का, तो बस पंडित जी आए पूजा करने के बाद, मैं 1-2 घंटे बाद मैं सो जाऊँ, क्योंकि यार नहीं, अगर नहीं सो पाऊँगा तो नींद आएगी, और फिर नींद नहीं आएगी तो फिर ऑफिस का काम नहीं हो पाएगा, तो वो भी ज़रूरी है। बस जल्दी से आ जाएँ पूजा करके, बच्ची का नाम करके रख के, और प्रिपरेशन चल रही है, पंडित जी प्रिपरेशन कर रहे हैं हवन की। मंगलाय पुंडरे काथाय मंगलाय स्तनो हरि हरि ओम मानु वासरे दिन वासरे बुधवार वासरे अपना नाम गोत्र नाना नाम नाना गोत पन्ना हादिंता थे साहा ओम मात्र चरण कमल देवता भेव नम स्वाहा ओम कृष्ण देवता भेव नम स्वाहा ओम कुंभ देवता भेव नम स्वाहा नम राम यम हक्का नमित मदने बसो धात्रे साहस मूर्ते ओम पुरुत गंग मह्यम के अवगुण बंसल वाला दूर कर ओम जय जगदीश हरे हेतु हरि ओम श्री विष्णु हिताय ओंकाराय नित्य नमो नमः हरि ओम ब्रह्मस्य अनु साहस मूर्ते स्फटे प्रभावी अनुराधा नक्षत्र में पैदा हुई, अनुराधा नक्षत्र में जन्म लिए है बच्चा, और वृश्चिक लग्न है इसका, वृश्चिक मतलब उसका राशि, और ना अक्षर से इसका नाम आप रखें। तो जन्म का नाम और जो हम रखना चाहते हैं वो एक ही अक्षर से हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो जन्म समय का नाम है उससे राशि से ही रहेगा। बेटी का नामकरण हो चुका है, और एक कोइंसिडेंस वाली बात बताता हूँ आपको कि हमने जो नाम सोच रखा था, जिस वर्ड से नाम स्टार्टिंग से सोच रखा था और उसी पे बेटी का नाम निकला। तो बेटी का नाम हमने नित्या चौधरी सोच रखा था, और बेटी का नाम निकला है ना, ना से नाम निकला, तो नित्या चौधरी मेरी बेटी का नाम है, तो उसको नाम से बुलाइएगा नित्या चौधरी। और ये बड़े कॉइंसिडेंस वाली बात होती, हमने यही सोच रहे थे और यही हो गया। सो नामकरण के बाद में अब पंडित जी चले गए, उनको धन दक्षिणा दे दी, अब थोड़ा अपना खा पी लेते हैं, खाने पीने के बाद मैं सोऊंगा, फिर शाम को जगूंगा, फिर अपना ये ब्लॉग फिर कंटिन्यू करूंगा। अभी मैं पहुंच गया हूं जिम, जिम करने के बाद फिर से
कुछ काम करके निपटाने हैं, बाहर से सामान वगैरह लेना, फिर जाएंगे सीधे घर के लिए और वहाँ जा करके ऑफिस का काम स्टार्ट करेंगे। सो अभी स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जिम में कोई आया भी नहीं है, अगर देखा जाए यहाँ पर कोई खाली है। जो भैया हैं जिनकी जिम है ना, वो आए नहीं, वो शायद ओपन करके चले गए, कोई है भी नहीं। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज से। मैं ना हमारे यहाँ बनी है आज पोड़ी और मटर पनीर की सब्जी, तो वो मैं हल्का सा खा गया था जिम पर। होता क्या ना, जिम में जाकर अगर प्यास लगती है जब एक्सरसाइज करते, बहुत ज़्यादा पानी पी लिया, पेट सा अफर गया, पेट सा फूल गया मेरा। और मेरे जाने से पहले, क्योंकि ये मैंने जैसा बताया, ये मेरे बगल में बैठ के खा रही थी, तो मेरा ही मन कराया, भूख लगाई, भूख तो हल्की सी लग रही थी पर काम चल जाता, पर मेरे बैठ बगल में बैठ के खा रही थी तो मुझे भी मन होया तो मैंने खा लिया। और मेरी बेटी ये सोई पड़ी है, इसको बस सो, इसका काम है दो, सोना, खाना, रोना, तीसरा काम भी ना। तो अभी रात को खाएंगे खाना पीना, तो क्योंकि अभी इच्छा नहीं हो रही खाने पीने की। तो ऑफिस का काम स्टार्ट करते हैं भाई, ऑफिस का काम बहुत ज़रूरी है, वो तो ज़रूरी है, मैंडेटरी एक्चुअली। मैंने अपनी बेटी को ना अपने चेस्ट पर चला रखा है, बड़ी कंफर्टेबली एकदम आराम से सो रही होती, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ सो रही है, यहाँ है, बिस्तर पे है, जमीन में, बच्चे को कहीं भी लटा दो, उसको होश तो रहता नहीं है, एकदम आराम से लेटी हुई है, हाथ फैला के, टांगे कहीं जा रही हैं, हाथ कहीं जा रहे हैं इसके। अरे मेरा बेटू, मेरा बच्चा पगलू चोरा। अभी उठेगी थोड़ी देर बाद, जब उठेगी तो यलगार करेगी दूध पीने के लिए, और दूध पी के फिर सो जाएगी, इसका काम यही है ना बेटा। हाँ हाँ, अब उठने नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसको, क्योंकि वो नींद में है। यार ऑफिस का काम करते करते बहुत देर हो गई मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ अभी, एक्चुअली सोच कह रहा हूँ भूख सी लगी मेरे को, तो मैं खाना पीना खा लेता हूँ और चाय बनाइए, चाय के साथ में पराठा और आलू मटर पनीर की सब्जी मिक्स जो है वो, और खाते हैं, पेट भरते हैं, क्यों पेट भरने के बाद फिर काम करना है। अभी सोच रहा हूँ हल्का फुल्का खा लूँ, क्योंकि रात में गैस की दिक्कत हो जाती है बहुत, एसिडिटी दिक्कत प्रॉब्लम हो जाती है इसलिए, और पेट भी एक्चुअली ना बाहर दिखता है, तो मतलब लगता है ऐसा मुझे फील होता है हल्का फुल्का, तो मैं इस चक्कर में ना ऑयली अभी इग्नोर करूँगा, आज तो खा लेता हूँ, इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कल से पेट की एक्सरसाइज वगैरह भी करूँगा स्टार्ट, और ऑयली जो आइटम होंगे सारे इग्नोर करूँगा, जिससे कि पेट थोड़ा सा अंदर सही हो जाए, फिट हो जाए, एकदम से एब्स निकलने की चांसेस हो जाएँ, ऐसा मैं करने की कोशिश करूँगा। और अभी मैं बस खाना पीना खा करके फिर काम पर बैठ जाऊँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको उससे मिलेगी और आप नई वीडियो देख पाओगे उस बेसिस। इस ब्लॉग को मैं एंड करूँगा, मिलूँगा कल, सी यू टिल देन, बाय बाय। और हाँ बताना भूल गया, शाम के 7 बजे, बाय बाय।